ओके, सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर भारती, और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं जेनेटिक कोड के। और होप आपने जेनेटिक कोड का पहला लेक्चर देख लिया होगा, क्योंकि उसके बाद ही इसको आप देखिए और समझे तो बेस्ट होगा। सो मूविंग अहेड, हम लोग आज देखेंगे डिसाइफरिंग द जेनेटिक कोड, मीन्स जेनेटिक कोड को कैसे डीकोड किया गया। और ये इस जो आज हम लोग अभी इस सेशन में अभी पढ़ने जा रहे हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सभी लोग जानते हैं कि अगर हम लोग रीडिंग फ्रेम की बात करते हैं, और अगर कुछ ऐसा सीक्वेंस mRNA पे लिखा हुआ है, तो सभी लोग आई थिंक जानते होंगे कि किसी भी प्रकार की ओवरलैपिंग नहीं होती, और इस तरह से ट्रिप्लेट कोडॉन रीड किए जाते हैं। बट द पॉइंट हियर इज़ दैट कि किस तरीके से ये एनालिसिस की गई होगी, और अगर नॉन ओवरलैपिंग होती, सॉरी ओवरलैपिंग होती, तो क्या रिजल्ट देखने को मिलता। ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था समवेयर इन 1960, और जहाँ पे इसमें क्या किया गया था, सिंगल न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन, किस तरह से म्यूटेशन कॉज करके, बाय प्रोड्यूसिंग अ म्यूटेशन, किससे कॉज किया गया, नाइट्रस ऑक्साइड से। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। तो हेंस फ्रैंकलिन कॉनराड और उनके कलीग ने यह स्टडी की थी, जहाँ पे उन्होंने नाइट्रस ऑक्साइड का इफेक्ट देखा था TMV, टोबैको मोजाइक वायरस पर। तो जो नाइट्रस ऑक्साइड है, वो कैसा म्यूटेशन कॉज कर रहा है, कैसा म्यूटेशन कॉज करता है, सिंगल बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन कॉज करता है। और उसके रिजल्ट के बेस पे एनालाइज करके कि किस तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड बेस चेंज जो है, वो क्या म्यूटेंट डेवलप कर रहा है, उसको एनालाइज करके ये बात प्रूफ की गई कि जो हमारे जो सीक्वेंसेस होते हैं, जो जेनेटिक कोड्स होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, दे आर नॉट ओवरलैपिंग। तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर हम एक सीक्वेंस ले रहे हैं, और ये सीक्वेंस है, अगर ये ओवरलैपिंग वे में रीड आउट हो रहा है, तो codon 1 ACU है, तो codon 2 क्या होगा, CUC, राइट, codon 3 फिर यहाँ से रीड हो रहा है, सो ऑन। आपको ऐसे दिख रहा है कि ओवरलैपिंग वे में ये रीडिंग हो रही है। तो अगर इसमें म्यूटेंट अगर हो जाए, यानी मान लीजिए ये जो जी है उसमें म्यूटेशन कॉज हो जाए, या किसी प्रकार का कोई सब्स्टिट्यूशन हो जाए, तो फिर अगर देखा जाए तो ये जो जी आ गया, यानी कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वाइल्ड टाइप में क्या था, ACU, तो यहाँ पे भी है ACU, फिर यहाँ पे क्या था, CA था, पर ए जो है वो रिप्लेस होके क्या आ गया है यहाँ पर, जी। यानी जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड इन दैट पैटर्न, कि वेयर यूजिंग अ नाइट्रस ऑक्साइड देयर वॉज अ सब्स्टिट्यूशन, राइट, सब्स्टिट्यूशन किया गया। तो यहाँ पे अगर फिर से अगर नॉन ओवरलैपिंग होता, तो ये पता चल रहा है कि जैसे ही ये रीडिंग शुरू होती, यानी ACU ओके है, CUC, देन UCG, तो यहाँ पे ये म्यूटेटेड सब्स्टिट्यूशन आ गया है न्यूक्लियोटाइड का, फिर CGG, फिर G, यानी आप देख रहे हैं तीन लगातार कोडॉन्स में वो म्यूटेशन इंटीग्रेट होता जा रहा है। पर वही अगर फ्रेम में किसी भी प्रकार की ओवरलैपिंग नहीं है, तो ACU, CAG, AUA, इस तरह से अगर हम देखते हैं, तो म्यूटेशन अगर हुआ, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक जो कोडॉन है उसी पर वो प्रभाव पड़ रहा है। तो यानी कि सिंगल बेस चेंज इन mRNA वुड ऑल्टर 3 कॉन्सिक्यूटिव कोडॉन इफ़ द जेनेटिक कोड वर ओवरलैपिंग। तो अगर ओवरलैपिंग होती, होती नहीं है, अगर होती, तो हमें देखने को क्या मिल रहा है कि 3 कॉन्सिक्यूटिव कोडॉन लगातार क्या होते, गड़बड़ होते। बट यहाँ पे अगर नॉन ओवरलैपिंग वे में रीडिंग होती है, तो हम देखते हैं कि सिंगल कोडॉन ही, एक ही कोडॉन हमें ऐसा दिख रहा है जहाँ पे ये चेंज आया।
राइट, तो इस तरीके से प्रूव किया गया कि जो जो सीक्वेंस होते हैं दे जो कोडॉन्स होते हैं वो दे आर नॉन ओवरलैपिंग, राइट। ओके, नेक्स्ट है ट्रिपलेट कोड। हम लोग पूरी बात कर चुके हैं इन आवर प्रीवियस वीडियो अबाउट द 64 कोडॉन। 61 कोडॉन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर कोडिंग एंड अमाइनो एसिड, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स, और स्टॉप कोडॉन, उसमें से 3 कोडॉन 64 में से वो स्टॉप कोडॉन होते हैं, वो किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर सकते हैं, और बाकी वो बिल हाइपोथेसिस, बहुत सारी हम लोगों ने बातें की, पर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल इश्यूज़ पे भी बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग देखें तो ट्रिपलेट जो कोड है वो ट्रिपलेट हम लोग देख चुके हैं कि ट्रिपलेट कोड्स में ही चीज़ को रीड आउट किया जाता है अमाइनो एसिड को ट्रिपलेट फॉर्म में। तो ये कैसे पता लगाया गया था, तो हम लोग उस एक्सपेरिमेंट के अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अगर कभी ऐसा लगा तो वीडियो आ जाएगा उस पर एक एक ओवरव्यू बस दे देते हैं कि ये जो ट्रिपलेट जेनेटिक कोड यानी जो जेनेटिक कोड है वो ट्रिपलेट फॉर्म में होता है, इसका जो प्रूफ है वो लगभग 1961 में दिया गया था, और जिसमें काम किया था फ्रांसिस क्रिक ने, लेस्ली बा ने, सिडनी ब्रेनर, आरजे वॉटस्टॉबिन, जो कि जिन्होंने एक प्रोफ्लेविन कंपाउंड यूज़ किया था, प्रोफ्लेविन कंपाउंड यूज़ करके म्यूटेशन कॉज किया था, म्यूटेशन कॉज किया था स्पेसिफिक जीन में, दैट इज़ टर्म्ड एज R2N T4 बैक्टीरियोफेज। इस पर ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था टू प्रूव कि दैट कोडॉन इज ट्रिपलेट। तो अभी हम लोग इसके इस एक्सपेरिमेंट के डिटेल पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग आगे बात करेंगे जो खासा आप लोग के लिए अभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वो आता है कि जब पता चल गया कि ट्रिपलेट कोडॉन जो है वो एसोसिएटेड होते हैं जेनेटिक कोड से, वही ट्रिपलेट कोड्स जो है वो अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं, जब ये पता चल गया तो अब उनका टास्क ये हो गया था कि जो ट्रिपलेट कोड है, जो भी ट्रिपलेट कोड है उससे कौन सा अमाइनो एसिड एसोसिएटेड और कौन सा स्पेसिफिक अमाइनो एसिड कोड हो रहा है, ये एक स्पेसिफिक टास्क हो गया, राइट। सो द मेन पॉइंट इज़ दैट कि आगे जो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जब ये पता चल गया कि हाँ जो ट्रिप कोडॉन जो कि ट्रिपलेट फॉर्म में होता है, ये पता करने के बाद अब साइंटिस्ट का इंटरेस्ट अब ये आ गया कि जो ट्रिपलेट कोड्स हैं उन वो पर्टिकुलरली किस अमाइनो एसिड के साथ एसोसिएशन होता है, यानी कौन सा कोडॉन किस अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है। तो इस कंसिडरेशन में न्यूरनबर्ग एंड मैथेही और मींस मार्शल न्यूरनबर्ग एंड जोहान हेनरिश मैथेही, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, राइट, इट वाज अबाउट 1961। और उन्होंने क्या किया था कि एक्चुअली उन्होंने एक सिंथेटिक, सो पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सब, ये क्या उन्होंने क्या किया था, सिंथेटिक mRNA कंस्ट्रक्ट किया था, और ये सिंथेटिक mRNA जो है उसके बिहाफ पे उन्होंने क्या किया कि इन विट्रो ट्रांसलेशन कंडक्ट करने की का प्रयास किया, और उस इन विट्रो ट्रांसलेशन के बाद जो भी पॉलीपेप्टाइड आया उसको एनालाइज करके बताने की कोशिश कि ये जो है mRNA या इनका मकसद था कि पर्टिकुलर कोडॉन किस अमाइनो एसिड को कोड कर रहा होगा, राइट। सो ये इनका एक बैकग्राउंड था। तो अभी इसके लिए उन्होंने जो सबसे पहले बात की, तो उन्होंने क्या लिया यहाँ पे, जैसे एग्जांपल लिया है, ये एक सिंथेटिक mRNA है, और ये सिंथेटिक mRNA जो है बेसिकली पॉली न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो होता है वो आराम से इसको क्या कर सकता है, डाइक बना सकता है ये पूरा, अगर हम इसमें दे दें तो सिंथेटिक mRNA बनाने के लिए दिस पॉली न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम क्या करेगा कि वो सिंथेटिक mRNA आराम से
क्रिएट कर सकता है। अब उनके पास एक सिंथेटिक एमआरएनए था। अब ये सिंथेटिक एमआरएनए जो है उन्होंने एक ट्यूब में लिया और ये इन्होंने इसमें जो है और क्या लिया, लाइसेट लिया, यानी बैक्टीरिया का लाइसेट, द सेंसर्स दैट कि यहाँ पे कोशिश उन्होंने की कि सारे जो सेल वॉल जो और सब एलिमेंट हैं उनको रिमूव कर दिया गया, पर और जो रिक्वायर्ड एलिमेंट होते हैं जैसे जो कि चाहिए होते हैं राइबोसोम, चार्ज ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल या ट्रांसलेशनल प्रोटीन्स जो और एसेंशियल कंपोनेंट हैं उनको लेकर क्या इन्होंने कोशिश की कि अब जो है ये सिंथेटिक एमआरएनए जो है वो ट्रांसलेट किया जाए। राइट, तो अब ट्रांसलेट जब किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई एक पॉलीपेप्टाइड बनेगी, पर क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मकसद क्या कर दिया कि सिर्फ पॉली यू एमआरएनए लिया, सिर्फ यूरासिल है, तो कहीं से भी कुछ भी शुरू होगा तो आपका ट्रिपलेट कोडॉन क्या बनने वाला है, यू 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 यही बनेगा, चाहे कहीं से भी शुरू होता है ट्रांसलेशन, किसी भी फ्रेम से स्टार्ट होता है। तो इसके बाद इन्होंने इसमें क्या मेनली क्या किया कि इसी तरीके का एक्सपेरिमेंट, लगभग 20 एक्सपेरिमेंट इसी तरीके के लगाए उन्होंने, जिसमें 19 में उन्होंने अनलेबल्ड एमिनो एसिड, जैसे एक होता है कि हर एक्सपेरिमेंट को इसी तरीके से किया, और हर बार वो क्या कर रहे थे, हर एक्सपेरिमेंट में मींस यू नो 20 एक्सपेरिमेंट इस तरीके से उन्होंने कंडक्ट किया सपोज, राइट, तो हर में क्या कर रहे थे कि हर में ये 19 अमाइनो एसिड तो अनलेबल्ड रख रहे थे, पर उसमें से कोई एक अमाइनो एसिड को रेडियो एक्टिवली लेबल कर दे रहे थे। मान लीजिए इसमें अमाइनो एसिड एलेनिन को रेडियो एक्टिव लेबल कर दिया, इसमें जो है फिनाइल एलेनिन को रेडियो एक्टिवली लेबल कर दिया, बाकी सब, और इसी तरीके से उन्होंने 20 एक्सपेरिमेंट्स और या कह सकते हैं ट्यूब्स पर काम किया, और फिर उसके बाद एनालिसिस की कि कौन सा पॉलीपेप्टाइड बन रहा है, बट ऑन द बेसिस कि रेडियो एक्टिव पॉलीपेप्टाइड कौन सा उनको मिल के आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जिस पे जो भी कंपोनेंट लिया उन्होंने तो देखा कि जो पॉलीपेप्टाइड मिल रहा था वो क्या था, फिनाइल एलिनिन, राइट, दैट वाज रेडियो एक्टिवली लेबल्ड। तो इससे प्रूफ क्या मिल रहा कि जो ट्रिपल यू है वो किसको कोड कर रहा है, फिनाइल एलिनिन को, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट बींग कंडक्टेड बाय निरेनबर्ग। तो आप लोग को ये याद रखना है कि 20 सेपरेट इन विट्रो ट्रांसलेशन हुए थे पॉली यू एमआरएनए के साथ, और हर बार हर एक्सपेरिमेंट में 19 अनलेबल्ड अमाइनो एसिड और एक अमाइनो एसिड को लेबल किया जाता था कार्बन 14 से, कि और ये क्या पता करने के लिए कि कौन सा अमाइनो एसिड जो है वो पॉली यू जो है एमआरएनए वो एनकोड कर रहा है, ठीक। तो इसके बाद जो उनका रिजल्ट आया वो आपके सामने। इसी तरीके से इन्होंने और भी ट्रिपलेट इसी तरीके से किया, यू यू लिया, फिर उसके बाद पॉली ए लिया, पॉली सी लिया, पॉली जी लिया, राइट। तो उन्हें इसी तरीके के कुछ रिजल्ट्स मिले कि अगर हम पॉली ए पॉली सी पॉली जी ले रहे हैं तो उन पॉली सी लेने पे प्रोलीन मिला, पॉली जी लेने पे ग्लाइसिन एंड पॉली ए लेने पे लाइसिन, राइट। सो पॉली ए वॉज एनकोडिंग लाइसिन, पॉली सी वॉज एनकोडिंग प्रोलीन, एंड पॉली जी वॉज ओके। सो ये उनका एक्सपेरिमेंट था। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें थोड़ा सा और बात को समझे तो बाद में थोड़ा सा और इस चीज़ को करने के लिए अगर हम लोग देखें कि अगर कुछ क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर हम लोग
मिक्स्ड पॉलीमर कर, जैसे इफ अगर यहाँ पे जैसे मेंशन किया गया इफ़ टू NDPs आर मिक्स्ड इन अ नोन रेशियोज, मींस यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया गया है कि ADP और या CDP को हमने मिक्स किया है और उसमें क्या डाल दिया है, पॉली न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज विल मेक अ मिक्स्ड को पॉलीमर इन विच न्यूक्लियोटाइड इज इनकॉर्पोरेटेड एट अ फ्रीक्वेंसली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेजेंस इन इन द ओरिजिनल मिक्सचर। तो कहने का सेंस ये है कि अगर हम जो बना रहे हैं RNA उसमें अगर हम लोग जो कंटेंट ले ले A का 5 और जो रेशियो है और C1 इस तरह के मिक्सचर अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो प्रोपोर्शन आ रहा है यानी A क्या है लगभग 5 और इस 5:1 का रेशियो है, तो एंजाइम जो इनकॉर्पोरेट करेगा प्रोडक्ट बनाने के लिए mRNA बनाने के लिए वो क्या यूज़ करेगा कि यानी वो हम लोग प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है। देखिए यहाँ पे अभी हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने चाह रहे हैं इसमें प्रोबेबिलिटी के नियम भी लागू होते हैं, बट क्योंकि अभी वो डिस्कस नहीं किया गया है तो हम लोग प्रोपोर्शन टर्म लेते हुए हम कह सकते हैं कि जो एंजाइम है वो A बहुत ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि इसका इनकॉर्पोरेशन ज़्यादा करेगा इन कंपेरिजन टू C, तो ये 1/6 टाइम हो जाएगा, 5+1 6, ऐसे करके अगर हम लोग देखें जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे और यहाँ पे हम इस तरीके से प्रोपोर्शंस को मेंशन कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि कितना इनकॉर्पोरेशन, वो A का इनकॉर्पोरेशन बहुत ज़्यादा हुआ है यहाँ पे जो हमें एक mRNA दिख रहा है और C का कम, ठीक। और कौन सा एंजाइम अभी हम लोगों ने बोला कि इस तरीके से सिंथेसिस करने के लिए हम क्या लेते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम। तो अब यहाँ पे सारा कंपोनेंट हम लोग ने ले लिया, AC रेशियो ले लिया, तो अब यहाँ पर ये इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं कि अब अगर हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी देखें कि किस फ्रीक्वेंसी से जो कोडॉन्स होंगे वो बनेंगे, है ना, क्या फ्रीक्वेंसी होगी, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि AAA यानी A बहुत ज़्यादा है तो वैसे उसकी फ्रीक्वेंसी तो ज़्यादा होने वाली है, बट व्हाट विल बी दैट फ्रीक्वेंसी। तो क्या प्रोपोर्शन है A का 5/6 5/6 5/6 5/6। तो हम लोगों ने अभी कहा कि एडेनिन के एंजाइम्स जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम एडेनिन को इनकॉर्पोरेट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/6, ठीक। तो जाहिर सी बात है दूसरे एडेनिन को भी कितनी करने की प्रोबेबिलिटी है, 5/6, एंड अगेन द थर्ड को भी 5/6, ठीक। तो AAA को यानी A ट्रिपलेट कोडॉन AAA फॉर्मेट इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तुम सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट रूल, 5/6 5/6 × 5/6, और हमारा ये आ जाएगा, फिर इट विल बी 0.578 परसेंटेज अगर हमें निकालना है, तो ये हो गया 57.8, ठीक। तो क्योंकि यहाँ पे एक ही प्रकार का अगर इसकी बात कर रहे हैं तो AAA तो एक ही बन सकता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर टोटल फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो वो 0.578 होगी प्रोबेबिलिटी AAA की, क्या होगी 1 × 0.578 मीन्स 0.578, ठीक। अब उसी तरीके से अगर ये दिया है कि 2 adenine हो ऐसा कोडॉन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी जिसमें 2 adenine हो और 1 cytosine हो, तो हमारे क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो आप देख सकते हैं ये 2A 1C एक इस तरह का बन सकता है, एक A यहाँ पे भी 2 adenine है, 1C है यहाँ, 2 adenine A, तो इस तरीके से 3 कॉम्बिनेशंस हमें दिख रहे हैं, राइट। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये हम पता लगा सकते हैं, तो पता लगाने के लिए हम क्या यहाँ पे क्या है 2 adenine, तो यानी
एक एडेनिन की के इनकॉर्पोरेट होने की प्रोबेबिलिटी 5/6, दूसरे की भी 5/6, फिर हमें सी इनकॉर्पोरेट करना है और सी एक सी के इनकॉर्पोरेट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके हमें रिजल्ट 25/216 मिलता है, तो दिस इज 0.116, 11.6 अगर परसेंटेज में हमें देना है। तो यहाँ पे हमें तीन वेज मिल सकते हैं, यहाँ जो मैंने मेंशन किया है, तो फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल ए टू सी कोडॉन, सभी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें ये देखना है ना, क्योंकि क्वेश्चन इज अबाउट, इसमें भी दो प्रकार के क्वेश्चन देखिए निकल के आ सकते हैं। एक क्वेश्चन तो आ गया कि 2AC की कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, राइट, और एक हो सकता है कि AAC की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो देयर इज टू काइंड्स ऑफ थिंग्स, तो यहाँ पे अगर सिर्फ 2AC की बात की है तो 2AC वाले तीन कोडॉन हो सकते हैं, तो क्योंकि 2AC के लिए यहाँ पे हमें दिख रहा है तीन ऐसे कोडॉन हैं जिनके पास दो एडेनिन और एक सी का कॉम्बिनेशन है, तो 2AC की फ्रीक्वेंसी कितनी है 0.116, तो ऐसे तीन की कितनी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 × 0.116, राइट। तो ये इस तरीके से आपको निकालना है। अब इसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 adenine and 2 C, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 adenine की प्रोबेबिलिटी इनकॉर्पोरेट करने की क्या है 5/6, तो 2 C, तो 1 C की 1/6, फिर दूसरे C की भी 1/6 होगी। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.023 आएगा। पर अगर हम देखें कि इससे इस कॉम्बिनेशन से कितने बन सकते हैं, तो हम बना सकते हैं ACC CAC CC, जहाँ पे हर में देखिए 2 C है और 1 A है, उस तरीके से इसके पूरे की टोटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी कि 3 × 0.023 प्रोबेबिलिटी होगी 1 adenine और 2 cytosine पढ़ने के लिए। ओके, नाउ द लास्ट वन इज 3C, यानी अगर ट्रिपलेट कोडॉन है 3C है, तो अब तो और कोई कॉम्बिनेशन इसमें दिख नहीं रहा है, तो हम कहेंगे ऐसा ट्रिपलेट कोडॉन कितने बन सकते हैं, ये 1 ही हो सकता है, तो हमने 1/6 1/6 1/6 कर लिया, 0.005 निकाल दिया, तो इस केस में तो 1 × 0.005 ही करेंगे और हमारा रिजल्ट सेम आएगा, मीन्स 0.005 विल बी द प्रोबेबिलिटी फॉर 3C कोडॉन्स। सो दिस कैन बी अ काइंड ऑफ क्वेश्चन जो भी पूछा जा सकता है। तो जो कि एक्सपेरिमेंटल बेस ही था, तो यहाँ पे हम एक टैबुलेशन में जो हम लोगों ने अभी बात की, हम लोग ये बात कर रहे हैं यहाँ पे 3 adenine कितने बन रहे थे 1, 2 adenine और 1 C कितना था 2 AC and AC A, ऐसे ऐसे करके जो था, तो कितने नंबर बन रहे थे ऐसे 3, ये वाले 3, ये वाले 1, तो सभी की ओवरऑल प्रोबेबिलिटी इस तरीके से हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, ठीक। सो अभी यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ, इन अ हेट्रोपॉलीमर एक्सप्रेशन यूजिंग 1/2C 1/4A and 1/4G इन रेशियो दिस, हाउ मेनी डिफरेंट ट्रिपलेट्स विल अकर इन सिंथेसिस ऑफ RNA एंड ऑल्सो हाउ ऑफन विद मोस्ट फ्रीक्वेंसी ट्रिपलेट अकर्स, राइट। तो अगर इसमें क्या क्या कितने प्रकार के डिफरेंट ट्रिपलेट्स बन सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे CAA दिया है, तो हम लोग इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो वो कितना हो सकता है, इट विल बी 3 × 3 × 3 = 27, ये पिछले वीडियो में भी डिस्कस हुआ है। एंड हाउ मेनी अकरेंस सिंथेसिस ऑफ RNA एंड ऑल्सो हाउ ऑफन विद मोस्ट फ्रिक्वेंसली दिस ट्रिपलेट अकर्स, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो हाउ ऑफन विद मोस्ट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मोस्ट फ्रीक्वेंट होने के चांसेस किसके हैं, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है जो साइटोसिन का रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 50%, तो सबसे ज़्यादा बनने का कौन सा चांस हो जाएगा, सी सी सी,
ये ज़्यादा बनेगा, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी इनकॉर्पोरेट करने की कितनी है, 1/2, 1/2, 1/2, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2, 1/8, जैसे पिछला अभी जस्ट हम लोग ने पिछली स्लाइड में जो डिस्कस किया वही चीज़ है, पर बस यहाँ पे क्वेश्चन को समझने की बात है कि यहाँ पे क्या क्या रहा है कि हाउ ऑफन विद द मोस्ट फ्रीक्वेंसी ट्रिपलेट अकर्स। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि कौन सा सबसे ज़्यादा बनेगा, तो आप बता सकते हैं बनेगा ये, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसके बनने की, तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी दी हुई है पर्टिकुलर एक की कि कितनी तेज़ी से वो इनकॉर्पोरेट हो रहा है। उसी तरीके से इसमें से लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है या कुछ चेंजेस भी या कुछ ये भी पूछ सकता है कि ए सी जी बनने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 1/4 × 1/2 × 1/4 इस तरीके से आप जैसे हम लोग ने डिस्कस किया उस तरह से भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बात आती है कि जब ये को पॉलीमर्स की भी हम लोगों ने बात की, तो यानी जो एक्सपेरिमेंट था इस तरीके से आगे बढ़ता है, तो इसमें अभी तक हम लोगों ने क्या कहा था, होमोपॉलीमर की बात की थी कि एक ही फिनाइल एलिनिन मिल रहा था। आगे बात होती है कि सेम जो स्ट्रैटेजी निरनबर्ग और मैथेन ने की थी, तो एजी खुरानो सर ने इस उनके एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए क्या यूज़ किया कि उन्होंने डाई ट्राई और टेट्रा न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स शुरू किया। अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट हो गया, ठीक है, तो पहला एक्सपेरिमेंट कि कौन सा कोडॉन किसको कोड कर रहा है, किस अमाइनो एसिड को, तो इसको समझने के लिए पहला एक्सपेरिमेंट निरनबर्ग और मैथेही ने कंडक्ट किया और हर पार्ट से उसके क्वेश्चन आते जो हम लोगों ने देखा, तो फिनाइल एलिनिन एंड व्हाट वी हैव डिस्कस राइट नाउ। अब इसमें इन्होंने उसी एक्सपेरिमेंटल स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाया, सेम वही चीज़ ली, बट क्या अंतर कर दिया कि यहाँ पे अब डाई और ट्राई रिपीट या टेट्रा न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स ये लोग इन्होंने लेना शुरू किया, वैसे ही सिंथेटिक एमआरएनए बनाते हुए। तो अगर हम देखें तो अभी यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, UC इस तरीके से दिख रहा है आपको, यानी ये कौन सा रिपीट का एग्जांपल लिया हुआ है, डाई न्यूक्लियोटाइड रिपीट यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक सिंथेटिक एमआरएनए है। तो खुराना सर ने इसी चीज़ पे बात की, तो जब इसको ट्रांसलेट किया गया और इसके रिजल्ट को देखा गया तो क्या पाया गया कि भाई जो रीडिंग फ्रेम है वो क्या कर सकता है कि या तो UCU एक आ जाएगा, UCU, और या तो यहाँ से रीडिंग होगी या तो फिर CUC, इस तरह के अल्टरनेटिंग फ्रेम को रीड करते हुए जो रिजल्टिंग पॉलीपेप्टाइड आया वो आया सेरीन और ल्यूसीन, ठीक। तो यहाँ पे डाई न्यूक्लियोटाइड जब उन्होंने लिया तो क्या रिजल्ट आया, द पॉलीपेप्टाइड्स हैव टू अल्टरनेटिंग अमाइनो एसिड, मींस सेरीन ल्यूसीन फिर सेरीन फिर ल्यूसीन, इस तरीके से उनको रिजल्ट मिले, ठीक। नेक्स्ट उन्होंने जैसे बात की डाई न्यूक्लियोटाइड्स, तो आप देखिए आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना होगा, इस पूरे टेबल से कहीं भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा पॉली यू हमें क्या दे रहा था, पॉली सी क्या दे रहा था, पॉली जी क्या दे रहा था, पॉली ए क्या दे रहा था, फिर रिपीटिंग डाई न्यूक्लियोटाइड्स में ये एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो यहाँ पे हमें ये जो रिजल्ट मिल रहे हैं इसमें अभी हम लोगों ने डायग्राम में ही देखा, तो इट्स हैव टू अल्टरनेटिंग अमाइनो एसिड, इस तरीके से AGAG लिया गया तो आर्जिनिन ग्लूटामेट का रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड सॉरी अमाइनो एसिड मिल रहा था। अब रिपीटिंग ट्राई न्यूक्लियोटाइड में क्या हुआ, देखिए यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट हमें क्वेश्चंस मिल सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि अब UUC इस तरीके का लिया गया, UUC इस तरीके से लिया गया या AAG लिया गया, राइट।
तो यहाँ पे जो रिजल्ट मिल रहा था जब उन्होंने थ्री डिफरेंट इस केस में सॉरी ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट में जो भी mRNA प्रोड्यूस हो रहे थे वो थ्री डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड का रिजल्ट दे रहे थे, और हर पॉलीपेप्टाइड जो है एक ही तरीके का अमाइनो एसिड उसके पास था। ध्यान में रखेंगे जब उन्होंने ट्राई न्यूक्लियोटाइड यूज़ किया, तो जैसे ये ट्राई न्यूक्लियोटाइड यूज़ किया ठीक, इसमें क्या मिल रहा था, तीन पॉलीपेप्टाइड मिल रहे थे राइट, एक मिला दो मिला और तीन मिला, तो तीन पॉलीपेप्टाइड मिल रहे थे। एक पॉलीपेप्टाइड क्या मिल रहा था, जिसके पास सिर्फ फिनाइल एलिनिन था, दूसरा पॉलीपेप्टाइड जिसके पास सिर्फ सेरीन 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 इस तरीके का था, एक ही प्रकार का अमाइनो एसिड। तो ये स्टेटमेंट वाइज भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा ठीक, एंड सेम वे यू कैन अप्लाई दिस थिंग ऑल्सो। तो यानी ट्राई न्यूक्लियोटाइड में तीन पॉलीपेप्टाइड मिल रहे थे और सभी के पास एक अमाइनो एसिड ही था। बट द पॉइंट इज दैट कि अब यहाँ पर मतलब अगर हम लोग UUC को ही देख रहे हैं तो मैसेंजर RNA की जो रीडिंग हो रही थी वो UUC कोडॉन या तो मीन्स कहने का सेंस ये है या तो यहाँ से वो शुरू कर सकता है, या तो ये वाले UC से शुरू कर सकता है, या तो इस तरीके से शुरू कर सकता है। तो इसलिए शायद इस तरीके से हमें तीन तरह के पॉलीपेप्टाइड मिल रहे थे, यानी पहले यू से रीडिंग फ्रेम शुरू हो जाए, या तो दूसरे यू से शुरू हो, या तो साइटोसिन से शुरू हो ठीक। तो इसी वजह से डिफरेंट रीडिंग फ्रेम मिल रहा था, तो हमें उनको अलग अलग तीन पॉलीपेप्टाइड मिल रहे थे राइट। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि ये क्लियरली बता पाना कि कौन सा कोडॉन किस अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहा है, ये थोड़ा अनश्योर थोड़ा क्या ये मींस एक्सपेरिमेंट जो है उतनी श्योरिटी के साथ नहीं बता रहा। तो आगे खैर रिपीट टेट्रा न्यूक्लियोटाइड टाइट के साथ भी आप ये देख सकते हैं कि हमें क्या रिजल्ट यहाँ पे क्या लिया, टेट्रा न्यूक्लियर UAUC इस तरीके का टेट्रा न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स लिया गया, तो हमें क्या रिजल्ट मिले ठीक है, ये आप देख सकते हैं। सम पॉलीपेप्टाइड हैव फोर रिपीटिंग अमाइनो एसिड, अदर्स आइडेंटिफाई स्टॉप कोडॉन्स राइट। पर अभी ये पजल यानी कि सॉर्ट आउट ही नहीं हुआ, जैसे हम लोगों ने देखा कि ये जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट के साथ ये प्रॉब्लम आई कि तीन पॉलीपेप्टाइड बन रहे थे, हालांकि इम्पॉर्टेंट चीज़ अच्छी चीज़ ये थी कि सभी एक ही तरह का अमाइनो एसिड दे रहे थे, यानी अलग अलग रीडिंग फ्रेम के साथ हमें कुछ आइडिया तो मिल रहा था कि ओके UUC माइट बी कोडिंग फॉर फिनाइल एलिनिन या इस तरीके के कुछ आइडियाज़ मिले, बट अनश्योरिटी थी कि कौन सा कोडॉन जो है अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहा है, किस अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहा है। फिर आगे नीरनबर्ग और फिलिप लेडर ने जो है वो फाइनली इसको थोड़ा क्या पूरी तरीके से इस पज़ल को सॉर्ट आउट किया, और इन्होंने क्या लिया कि टाइनी बहुत ही छोटा सा सिंथेटिक mRNA बनाना शुरू किया, जो कि देख रहे हैं सिर्फ ट्रिपलेट कोडॉन ही है। फिर राइबोसोम लिया, फिर अनलेबल्ड tRNA लिए, फिर चार्ज tRNA, मतलब 19 ऐसे अमाइनो एसिड थे जो कि बिल्कुल रेडियो एक्टिवली लेबल्ड नहीं थे, पर एक ऐसा था जो कि रेडियो एक्टिवली लेबल्ड था, बाकी सारा जो सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ पे सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसिस कराई जा रही है इन विट्रो कंडीशन में, उसको सारे एलिमेंट्स को डाला गया, और डालने के बाद क्या किया डालने के बाद क्या किया कि उनको एक फिल्टर से पास कराया गया। जब उस फिल्टर से पास कराया गया तो जो कॉम्प्लेक्स बना चुके थे, यानी कि कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि mRNA एसोसिएट हो गया है राइबोसोम से, फिर राइबोसोम से एसोसिएट कौन हो जाएगा tRNA। तो अगर कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा, फिल्टर से स्टिक हो जाएगा। अगर नहीं कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यानी राइबोसोम भी फ्री है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा है, तो वो सॉल्यूशन के थ्रू पास हो जाएगा। फिर इन लोगों ने फिल्टर और सॉल्यूशन की एनालिसिस की,
राइट तो अगर हमने ये हमें पता है कि उन्होंने जी यू सी ही लिया था, तो जी यू सी से को एनकोड करने वाला या रीड करने वाला एंटीकोडॉन उससे जाके बाइंड करेगा और वही अमाइनो एसिड उससे अटैच हुआ रहेगा. अगर इस फिल्टर पे पाया जाने वाला जो कॉम्प्लेक्स है उसको एनालाइज किया जाए और ये पता चले कि वो जो है रेडियो एक्टिवली लेबल्ड भी है और ये पता चल जाए कि यहाँ पे कौन सा अमाइनो एसिड रेडियो एक्टिव लेबल है, तो आसानी से ये पता लगाया गया कि जी यू सी जो है वो किस अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है. सो दिस वॉज द फाइनल एनालिसिस. मीन्स वॉट? स्पेसिफिक mRNA है ना, स्पेसिफिक mRNA bounded by the ribosomes which are basically trapped by the filter, right they can be analyzed aur agar wahan pe radioactive mil rahe hai to wo amino acid jo bhi labeled hai kyunki usi se charge kiya gaya hai fir wo kisko read out kar raha hai kyunki complex tabhi banega jab ye koi tRNA jo hai aur hame kaun sa tRNA chahiye tha वो टी आर एन ए जो कि रेडियो एक्टिवली लेबल भी हो और इससे जाके जुड़ जा, तो आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं. राइट, ओके. सो दिस वॉज द प्रोसीजर. फिर और जो जैसे कि जैसे जी यू सी mRNA जो कि विच वॉज नॉट बाइंड विद द अमाइनो एसिड, तो वो जो है वो रेडियो एक्टिव उसमें आपको सोल्यूशन में मिलेगा. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ टोटल एनालिसिस कि किस तरीके से कौन सा कोडॉन, और ये जो एक्सपेरिमेंट है पूरे 64 कोडॉन के लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और इस प्रकार से हर कोडॉन को रिवील किया गया कि कौन सा कोडॉन जो है कौन से अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है या स्पेसिफाई कर रहा है. ओके, अब हम लोग अपने ऑलमोस्ट नेक्स्ट लास्ट टॉपिक पर है कि जो जेनेटिक कोड जो है ये ऑलमोस्ट यूनिवर्सल होते हैं और पर कुछ अनयूजुअल कोडॉन भी देखे गए हैं. तो पहली तो ऑब्वियस सी बात है, एक सवाल आ जाता है कि ये यूनिवर्सैलिटी इतनी मेंटेन क्यों रखी गई, क्योंकि मेजॉरिटी अगर सारे ऑर्गेनिज्म में देखें तो मेजॉरिटी जो कोडॉन है वही उसी अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहे हैं. तो ऐसा किस लिए है? क्योंकि यहाँ पे नेचर ने ही ऐसा सिलेक्शन प्रेशर लगाया है कि कोडॉन पे किसी प्रकार का म्यूटेशन ना हो, क्योंकि अगर चेंज होगा तो वो बहुत ज़्यादा चेंज ले आएगा. तो इस तरीके से वहाँ पे जो है किसी प्रकार का जो सिलेक्शन प्रेशर अगर हम देखें, नेचुरल सिलेक्शन प्रेशर, इट इज़ अगेंस्ट द कोडॉन चेंज, राइट. सो दूसरी बात यहाँ पे ये निकल के आती है, अगर आप टेबल को एनालाइज करें, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, अगर टेबल को हम लोग एनालाइज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हर चीज़ जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ अनयूजुअल से कोडॉन्स पाए जाते हैं. तो यानी कहने का सेंस ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो जीन पाया जा रहा है उसमें शायद म्यूटेशन की प्रोबेबिलिटी जो है वो नेचर ने बढ़ाई है, तो या वहाँ पे म्यूटेशंस हुए हैं तो वो इसलिए भी हुए हैं क्योंकि एक तो वहाँ का जो जीन है, जो डीएनए एलिमेंट है वो छोटा होता है और वो रिकवर भी किया जा सकता है क्योंकि और सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ऑलरेडी अवेलेबल हैं. ठीक है, तो ये दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गए कि क्यों यूनिवर्सल कोडॉन्स को मेंटेन कराने की कोशिश की, क्योंकि वन म्यूटेशन कैन ब्रिंग अ लॉट मोर चेंज, इसलिए नेचुरल सिलेक्शन प्रेशर को एक तरह से अगेंस्ट रखा गया, प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में पर ये चीज़ देखने को मिलती है. बट इसके अपने एस्पेक्ट हैं कि जो जीन्स हैं या जो जीनोम है वहाँ का वो थोड़ा छोटा है और रिकवरी भी आराम से हो सकती है क्योंकि और सेल में मौजूद है माइटोकॉन्ड्रिया. तो यहाँ पे आप ये आपको थोड़ा आप देख सकते हैं कि AGA AGG जो कि आर्जिनिन कोडॉन कोड कर रहा था बट ये स्टॉप कोडॉन कोड कर रहा है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रियन प्लांट्स एनिमल एंड ईस्ट. उसी तरीके से AUA आइसोल्यूसिन यूनिवर्सली कोड करता है, UGA स्टॉप कोडॉन एंड सो ऑन.
ये एक्स जो ये मेंटेन, ये मींस एन एनी काइंड ऑफ सी यू ए कुछ भी यहाँ पे है, वो ल्यूसीन कोड कर रहा है, बट माइटोकॉन्ड्रिया में वो थ्रियोनिन कोड हो रहा है, और यू ए ए यू ए जी स्टॉप कोडन है, ग्लूटामिन ग्रीन एल्गी और प्रोटोजोआ में इनकोड हो रहे हैं। तो ये हमारे कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो कि एग्जाम्स में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सेप्शनल जो है एक ट्रेंड है जिनको इंक्लूड किया जाता है क्वेश्चन में। यहाँ पे थोड़ा सा लास्टली एक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो कि कभी कभी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी हमें स्ट्राइक कराए जाते हैं, कि जैसे हाउ लाइकली इज़ इट दैट द कोडॉन रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड ग्लाइसिन, राइट, कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि कोई कोडॉन जो है वो ग्लाइसिन को कोड करने जा रहा है, राइट, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि कोई कोडॉन दिया हुआ है और वो ग्लाइसिन को कोड करने जा रहा है। तो पहले तो ये समझ ले कि हमें ये पता है कि प्रोबेबिलिटी थायमीन या एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन अगर टोटल करे तो वो 1 आएगा, मींस हर की अपनी प्रोबेबिलिटी या फ्रीक्वेंसी क्या हो गई न्यूक्लियोटाइड के आने की, वो है 0.25 यहाँ पे टी, क्योंकि डीएनए के कंटेंट से बात हो रही है। दिस मीन्स दैट ईच ऑफ द न्यूक्लियोटाइड हैज़ द प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4, 1/4 सभी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्योंकि टोटल कितने हैं 4 है, तो सिर्फ इसकी आने की प्रोबेबिलिटी 4 में से क्या हो जाएगी, 1/4, 1/4, 1/4, ठीक। और सभी के जो किसी एक स्पॉट पे आने की प्रोबेबिलिटी मींस कॉम्बिनेशन में हम लोग देखें तो इट विल बी 64। तो आउट ऑफ दीज 4 कोडॉन जी जी टी जी जी सी, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ग्लाइसिन कितने कोडॉन के द्वारा, इसके सिनोनिमस कोडॉन्स क्या है, मैंने पहले भी कहा था याद रखे सिनोनिमस कोडॉन्स, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने में बहुत आसानी मिलती है। तो 4 सिनोनिमस कोडॉन होते हैं, तो हम लोग निकाल सकते हैं द प्रोबेबिलिटी दैट द कोडॉन चूजन एट रैंडम कोड फॉर ग्लाइसिन कितनी होगी, 4/64, क्योंकि सिनोनिमस कोडॉन कितने हैं 4 है, टोटल कोडॉन्स कितने हैं 64, तो इट विल कम 1/16। तो थोड़ा आप लोग पिछला वीडियो भी देख लेंगे तो आपको ये इजी होगा समझने में। नेक्स्ट, इस तरीके के जैसे विच अमाइनो एसिड वुड ऑकर विद हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, तो आप लोगों को पता है कि जो ल्यूसीन है, ल्यूसीन आर्जिनिन और सेरीन जो होते हैं वो क्या है, 6 सिनोनिमस कोडॉन है, तो अगर इनको फिर हम क्या कर सकते हैं, 6/64, तो इनकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 6/64, तो इट विल बी 3/32। तो ये कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन है जो कि आप सिनोनिमस बेस कोडॉन्स अगर याद हैं, बस आपको 64 से डिवाइड करना है। जैसे अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, लोवेस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, किसके आने की है, तो क्योंकि जो सबसे कम कौन से होते हैं, ट्रिप्टोफैन और मेथियोनिन, क्यों, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही कोडॉन है, ज़्यादा कोडॉन्स नहीं है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/64, राइट। सो और अगर इस कोई फिर वही है, कोई कोडॉन है तो ये कोडॉन स्टॉप कोडॉन, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए, ये कोडॉन जो है स्टॉप कोडॉन होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आपको पता है स्टॉप कोडॉन कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो टोटल कितने हैं, 64, तो इट विल बी 3/64। उसी तरीके से हम लोगों ने और भी सॉर्ट आउट किए हैं, ठीक। एक तो वो उस प्रकार के क्वेश्चन हो गए, दूसरा क्वेश्चन हो गया कि अमाइनो एसिड विद मल्टीपल सिनोनिमस कोडॉन्स, राइट, सिंस इट्स अ हेडिंग, सिंस देयर आर 64 पॉसिबल डिस्टिंक्ट कोडॉन्स एंड ओनली 20 अमाइनो एसिड, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर ऐसा होता कि हर अमाइनो एसिड को, जैसे अभी आपको पता है किसी अमाइनो एसिड के 2 सिनोनिमस कोडॉन हैं, किसी के 3 हैं, किसी के 4 हैं, तो किसी के 6 हैं, पर अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता, ये नहीं कि किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास इवन 1 है, तो फिर क्या रिजल्ट आता। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप क्या करेंगे कि 64 टोटल कोडॉन्स हैं, हमारे पास 20 अमाइनो एसिड हैं, तो 64 डिवाइडेड बाई 20 कर देंगे, हमारे पास आएगा 3.2, यानी 20 अमाइनो एसिड हैं तो हर के पास लगभग 3, हर को 3 कोडॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी
होती, यानी हर अमाइनो एसिड को, हर एक अमाइनो एसिड को अगर हम 1, 2, 3, 4 to 20 अगर 3 कोडॉन्स दे दें तो क्या होगा, लगभग हर अमाइनो एसिड को 3 कोडॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, एवरेज ये आएगा 3 to 60, इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं. ओके, हालांकि ऐसा तो देखा नहीं गया है क्योंकि सिनोनिमस कोडॉन्स होते हैं. ठीक, यहाँ पे दिया है फिर से और ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. हाउएवर द असाइनमेंट ऑफ कोडॉन इज नॉट यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म करेंगे तो हर कितने मिलेंगे, हर अमाइनो एसिड को 3 कोडॉन मिल सकते हैं, पर ऐसा नहीं है, किसी को 2 दिए गए, किसी को 4, किसी को 6. तो हम लोग को ये बात पता होनी चाहिए. तो सम अमाइनो एसिड हैव 6, सम हैव 1 एंड यू हैव 4. अब दूसरा टर्म आता है म्यूटेशन इन कोडॉन वोलेटिलिटी. तो अ म्यूटेशन इज एन इवेंट दैट चेंजेस वन और मोर ऑफ द इंस्ट्रक्शन एनकोडेड इन अ जीन. राइट, अ सिंपलेस्ट कंसीवेबल म्यूटेशन इन अ सिंगल सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड बाय सम अदर न्यूक्लियोटाइड समवेयर अलोंग द डीएनए. तो हम लोग ये जानते हैं कि म्यूटेशंस के जो चांसेस होते हैं वो अगर हो रहा है तो वो बाई सब्स्टिट्यूशन कॉज करेगा. राइट, पर वोलेटिलिटी क्या होती है कि अगर हम लोग देखें तो वोलेटिलिटी ऑफ अ होल जीन इज डिफाइंड एज द एवरेज वोलेटिलिटी ऑफ इट्स कोडॉन. भाई जीन क्या है, जीन भी वो डीएनए सेगमेंट्स होते हैं जो कि किसी प्रोटीन को कोड कर रहे हैं. राइट, बट हम लोग जान चुके हैं कि डीएनए से पहले क्या बनने वाला है, आरएनए. और ये आरएनए जो बनेंगे वो आरएनए जो है पहले कोडॉन्स के रूप में आते हैं और यही कोडॉन्स जो हैं वो रीड होके किसी स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं और यही अमाइनो एसिड जो है मिलके प्रोटीन बनाते हैं. सो दिस इज़ द थिंग. तो केमिकल सेंस ये है कि अगर हम म्यूटेशन की भी बात कर रहे हैं तो म्यूटेशन के टर्म में हम लोग एक और टर्म की बात करते हैं, वोलेटिलिटी. तो अगर किसी की वोलेटिलिटी भाई किसी जीन की कम या ज़्यादा है, वो हम इस बात पे कह सकते हैं कि वहाँ पे जो कोडॉन्स पाए जा रहे हैं उनकी वोलेटिलिटी कितनी है. ठीक, तो जितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी होगी यानी चेंजेस होने की क्षमता होगी उतना ज़्यादा म्यूटेशन होगा, और जितना कम होगी उतना कम होगा, ज़्यादा ज़्यादा चेंज ले आएगा प्रोटीन्स में. तो अगर कुछ क्वेश्चन अगर ऐसे आते हैं कि अमाइनो एसिड जैसे वैलिन इज कोडेड बाय 4 कोडॉन्स. राइट, दिस इज 4 कोडॉन. क्लियरली चेंजिंग द लास्ट न्यूक्लियोटाइड इन दिस कोडॉन लीड्स टू अ सिनोनिमस कोडॉन. तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि बस इस पर चेंजेस आए हैं, टी सी जी टी जी टी जी टी सेम है, बस लास्ट का चेंज हुआ है और हमें सिनोनिमस कोडॉन मिल गए हैं. तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो सिनोनिमस कोडॉन्स वाले जो टेबल्स थे जो हम लोगों ने फर्स्ट जेनेटिक कोड में देखा उसको ध्यान से देखना है. कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि जो सिनोनिमस कोडॉन्स का जो ग्रुप है उसमें कहाँ कहाँ चेंजेस हुए हैं, पहले न्यूक्लियोटाइड पे या लास्ट न्यूक्लियोटाइड पे. हम लोग देख रहे हैं ये लास्ट न्यूक्लियोटाइड पे ये चेंज हमें दिख रहा है, और लास्ट न्यूक्लियोटाइड पर चेंज होने से हमें एक सिनोनिमस कोडॉन मिल रहा है. मीन्स ये सभी, इसका मतलब क्या होगा, ये चारों ही कोडॉन वैलिन को कोड करने वाले हैं. पर अगर चेंज अगर पहले या दूसरे में हो गया तो क्या होगा, अलग अमाइनो एसिड बनेगा जो कि क्या होगा, नॉन सिनोनिमस होगा. यानी अगर हम फर्स्ट या सेकेंड पे कोई चेंज ले आए तो वो दूसरा ऑब्वियस बात है अमाइनो एसिड कोड करने लगेगा. तो कहने का सेंस ये है कि जितने भी कोडॉन्स है वैलिन के पास उनकी वोलेटिलिटी क्या है, वो सेम है. तो अगर हमें इसे कैलकुलेट करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक कोडॉन की बात कर रहे हैं तो कितने चेंजेस हो सकते हैं. मीन्स वी नो दैट 3 पॉसिबल सब्स्टिट्यूशन इन न्यूक्लियोटाइड 1 और 3 पॉसिबल सब्स्टिट्यूशन इन कोडॉन 2. कहने का सेंस यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे हमें ये पता चल गया जो थर्ड न्यूक्लियोटाइड है अगर आप उसमें चेंज ले आएंगे तो कोई म्यूटेशन नहीं होने वाला है. क्यों, क्योंकि वो वैलिन को ही कोड करेगा. पहला तो ये पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इस पॉइंट को. यहाँ पे हम लोग ने देखा भी है कि अगर आप थर्ड न्यूक्लियोटाइड पे चेंज कर रहे हैं, है ना, टी की जगह सी आ गया,
सी की जगह ए आ गया, यानी आप ऐसे करिए, जीटीटी कोड कर रहा था वैलिन को, अब टी की जगह सी अगर हम ले आ रहे हैं तो भी तो वैलिन कोड हो रहा है, अब टी की जगह हम ए ले आए तो भी वैलिन, यानी थर्ड पे आप कोई भी चेंज कर रहे हैं तो म्यूटेशन आप कर रहे हैं पर वो कोई बदलाव नहीं आ रहा है क्योंकि वैलिन ही कोड हो रहा है, ठीक। तो यानी इस पे करने से कोई फ़ायदा नहीं है, पर आप फर्स्ट पे अगर कर रहे हैं तो आपको चेंज मिलेगा, ये फर्स्ट पे कर रहे हैं तो आपको चेंज मिलेगा, ठीक। अगर हम लोग सेकेंड पे कर रहे हैं तो भी हमें चेंज मिलेगा, ठीक। तो फर्स्ट पे हम लोग कितने चेंजेस कर सकते हैं, तीन चेंजेस कर सकते हैं, यानी जी की जगह, जी तो करेक्ट कोड कर रहा है पर हम जी की जगह, हमारे पास चार ही बेसेस अवेलेबल होते हैं, तो यहाँ पे देखिए जी टी टी है, चार ही बेसेस अवेलेबल है, अब जी तो करेक्ट बेस कर रहा है, अब जी की जगह यहाँ ए ले आएंगे, यानी ए टी टी अगर होगा तो कोई और दूसरा कोड होने वाला है। टी से कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ पे तो यू होना चाहिए, हम तो एम आर ए नहीं, क्योंकि म्यूटेशन की बात करते हैं तो म्यूटेशन के लिए हम लोग डीएनए सेगमेंट की बात करते हैं, तो डीएनए में म्यूटेशन कॉज होता है, राइट, और फिर डीएनए से एम आर ए नहीं बनता है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ए ए ले आ सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, ए टी टी बना सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, सी टी टी बना सकते हैं, राइट, या जी ए जी सी, हाँ टी ला सकते हैं, ठीक। तो यानी तीन ही आपके पास बचे, तो ये तीन, यानी आप इस प्लेस पर तीन चेंजेस ले आएंगे तो कुछ नया म्यूटेशन कॉज हो सकता है, क्योंकि जी लाएंगे तो वैलिन बनेगा, उसी तरीके से यहाँ पे भी है, आप दूसरे पे अगर टी लाएंगे तब तो कोई नहीं होने वाला, बट जी सी ए में से कोई ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, कोई दूसरा अमीनो एसिड। तो कहने का सेंस ये कि फर्स्ट और सेकेंड पर अगर आप म्यूटेशन कर रहे हैं तो कोई और वैलिन कोड नहीं होने वाला है, और आप कितने म्यूटेशन कोर्स कोड मतलब कर सकते हैं कि वैलिन कोड नहीं होगा, तीन कर सकते हैं जो हम लोगों ने अभी देखा, तो हमारे पास कितने हो गए, छः हो गए, ठीक। और टोटल वैसे कितने म्यूटेशंस हो सकते हैं तो हम लास्ट वाले को भी इंक्लूड कर लेंगे, है ना, टोटल म्यूटेशन कितने हो सकते हैं, तो छः तो कोई बदलाव लाएंगे पर टोटल नाइन कर सकते हैं, तो ये जो होगा 6/9 जो भी आएगा आंसर यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है इतना, तो ये क्या हो गई, ये वैलिन, दिस द वोलेटिलिटी ऑफ एनी ऑफ द वैलिन कोडॉन इज दिस, इस तरीके से हम लोग वोलेटिलिटी भी बता सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ओनली वन सीक्वेंस, अब ट्रिप्टोफैन में भाई एक ही सीक्वेंस होता है तो कोई भी नाइन पॉसिबल चेंजेस हो सकते हैं इन, अब देखिए दिस इज बहुत, यहाँ पे अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप इसको भी देख के एनालाइज कर सकते हैं कि टी जी जी, अब यहाँ पे ट्रिप्टोफैन के पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही कोडॉन रहता है, मेथियोनिन के साथ भी वही कहानी है, तो आप अगर पहले को भी चेंज करेंगे तो चेंज आ जाएगा, पहले पे आप तीन चेंज ला सकते हैं, दूसरे पे भी आप तीन चेंज ला सकते हैं, तीसरे पे भी आप तीन चेंज ले आ सकते हैं, क्योंकि ट्रिप्टोफैन के पास कोई सिनोनिमस कोडॉन है ही नहीं, तो नाइन इसमें क्या होगा, कितने चेंजेस कर सकते हैं, नाइन, टोटल कितने चेंजेस कर सकते हैं, नाइन, इट विल बी वन। तो यानी ट्रिप्टोफैन की वोलेटिलिटी क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि उसके पास कोई सिनोनिमस कोडॉन है ही नहीं, तो ट्रिप्टोफैन कोडॉन में आप एक भी चेंजेस लाएंगे तो वो नया अमीनो एसिड कर देगा और वो एक बड़ा चेंज लाएगा, तो आपको एक रिजल्ट मिल रहा है जो हम लोगों ने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया था कि जितना ज़्यादा वोलेटिलिटी होगी उतना ज़्यादा म्यूटेशन कॉज हो सकता है, तो हमें यहाँ दिख भी रहा है, प्रूफ भी हो गया, वैलिन के पास चार सिनोनिमस कोडॉन, एक और आप रिजल्ट निकाल सकते हैं, जितना जिसके पास ज़्यादा सिनोनिमस कोडॉन होगा वो उतना उसकी वोलेटिलिटी कम होगी, जितना ज़्यादा सिनोनिमस कोडॉन होगा उसकी वोलेटिलिटी कम होने के चांसेस हैं, यानी म्यूटेशन की वजह से जो चेंज होने वाला है वो डेंजरस नहीं होगा या वो कम होगा, ठीक। तो
तो यहाँ पे भी नॉट ऑल कोडॉन्स फॉर अ गिवन हैज द सेम, किसी का ऐसा तो नहीं है कि सेम हो. टू कोडॉन्स ल्यूसीन के होते हैं. सी टी जी हैज़ फाइव नेबर्स दैट आर सिनोनिमस दिस एंड दिस. सो आप अगर कुछ ऐसा भी डिफरेंस करके दे दिया गया है कि पांच चेंजेस हो सकते हैं, तो आप वोलाटिलिटी आराम से निकाल सकते हैं. राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वोलाटिलिटी और जेनेटिक कोड. सो प्लीज़ गो थ्रू द होल वीडियो वेरी केयरफुली, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सारे प्रोबेबिलिटीज़ और डिसाइफरिंग. एंड रियली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. Thank you so much.